हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके पास एल्डन रिंग गेम में FPS ड्रॉप हो रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत सिंपल स्टेप है, आप इसको फॉलो कीजिए। सबसे पहले दोस्तों, आपको डिवाइस मैनेजर ओपन करना है। विंडोज़ के सर्च बार में टाइप कीजिए डिवाइस मैनेजर, ओके। उसके बाद आप इसको क्लिक कर ओपन कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्प्ले अडाप्टर का ऑप्शन है, आप इसको डबल क्लिक कर ये ऑप्शन को एक्सटेंड कीजिए। फिर यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट करना है, राइट क्लिक कर अपडेट ड्राइवर पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स पर क्लिक कीजिए, ओके। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए। फिर से आपको सेलेक्ट कर राइट क्लिक करना है, अपडेट ड्राइवर पर क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज में कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर लेट मी पिक फ्रॉम ए लिस्ट इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड को सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इंस्टॉलिंग ड्राइवर्स। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने तक आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ओके। उसके बाद आप इसको क्लोज कीजिए, डिवाइस मैनेजर को आपको क्लोज कर देना है। उसके बाद दोस्तों, आपको विंडोज 11 के सेटिंग में जाना है। विंडोज़ की प्रेस करते हुए आप आई प्रेस कीजिए, शॉर्टकट की से विंडोज 11 सेटिंग ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर विंडोज़ अपडेट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपके पास विंडोज़ अप टू डेट होना चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी विंडोज़ अपडेट पेंडिंग है तो आप उसको डाउनलोड कर इंस्टॉल कीजिए, विंडोज़ अपडेट जो है कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर गेमिंग मोड में आना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद एक्सबॉक्स गेम बार, ये ऑप्शन आपके पास डिसेबल होना चाहिए इस तरीके से। उसके बाद आप जो है सेटिंग को क्लोज कीजिए। फिर दोस्तों, आपको जो है स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है, टास्क मैनेजर पर क्लिक करना है। फिर दोस्तों, आपको जो है यहाँ पर एल्डन रिंग गेम शो हो जाएगा तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के लिए कैमटेशा को सेलेक्ट कर लेता हूँ। गो टू डिटेल के ऊपर आप क्लिक कीजिए, फिर आपको जो है यहाँ पर ये ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप इसको सेलेक्ट कर राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पर सेट प्रायोरिटी आपको हाई सेलेक्ट करना है। इस तरीके से यहाँ पर हाई इसको सेलेक्ट कर आप इसको क्लोज कीजिए। उसके बाद दोस्तों, आप जो है एल्डन रिंग गेम के एप्लीकेशन को राइट क्लिक कर प्रॉपर्टी पर क्लिक कीजिए। फिर आपको कंपेटिबिलिटी टैब में आना है और यहाँ पर रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर इस पर चेक कीजिए, अप्लाई के ऊपर क्लिक कर ओके पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आप अपने पीसी को रीस्टार्ट कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ गया, तो प्लीज़ लाइक कर देना और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।